तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पास दो यूनिट हैं। आप देख रहे हैं ये आहूजा की 50XT है, जो आपको इसका साइज़ देख रहे हैं किस टाइप से आती है, और ये हमारी आहूजा की 40XT है। तो ये 40XT है, अब 50XT भी आती है। तो इसमें से हमको कौन सा यूज करना चाहिए और इन दोनों में अंतर क्या होता है, और कौन सी ज़्यादा जो है यूनिट हमारी अच्छी होती है, ठीक रहती है चलने में, तो हमको कौन से यूनिट का हमको यूज़ करना चाहिए, यूनिट ड्राइवर का कौन सा हमको यूज़ करना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है इसमें कि इस यूनिट ड्राइवर में जो हमारा ये 40XT है, तो 40XT में आपको पता है ये लाइन मैचिंग वाला, यानी LMT बोलते हैं इसको, तो LMT लाइन मैचिंग वाला है। इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर डला होता है और वो ट्रांसफार्मर 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इसके अंदर आता है 40XT में। और जो हमारी 50XT भी है तो इसके अंदर भी 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आता है। ये 50 वाट RMS पावर हमको प्रोवाइड कराता है, तो इसमें से 50 वाट RMS पावर हमको मिल जाती है। और इससे हमको 40XT जो है, तो इसको 40 वाट यानी 40 वाट की RMS पावर हमको देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर हम इसमें से जो यूज़ है उसका यूज़ किस में क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस दोनों में जो वॉइस क्वाल डलती है, तो जो 50XT में भी वही डलती है और 40XT में भी वही डलती है, तो दोनों में वॉइस क्वाल बिल्कुल सेम डलती है। अंतर क्या है दोनों का, सिर्फ अंतर आपको एक चीज़ का अंतर मिलेगा कि जो इसके अंदर जो मैग्नेट होती है जिसमें क्वाल पड़ती है, थोड़ा मैग्नेट इसका बड़ा होता है, थोड़ा भारी होता है, ताकि वो हमारी वॉइस को और थोड़ा पावरफुल बना देता है, वो ज़्यादा आवाज़ इससे जाती हो। हमारा 40XT होता है, थोड़ा इसका मैग्नेट छोटा होता है, बाकी उसका जो जहाँ पे क्वाइल डलती है वो इसका सेम होता है, तो इसमें बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक और इसमें हमको कमी लगी, 50XT में एक कमी लगी है हमको, कि जो 50XT है तो इसके पीछे का जो सिलेक्टर होता है जिससे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी वाट को सिलेक्ट करते हैं कि कितने वाट पे हमको ऑपरेट करना है, तो ये जो सिलेक्टर होता है, अब जब मैंने इसको ख़रीदा था तो इसका जो सिलेक्टर था वो एक जगह पे रुक जाता था, यानी उसके बाद वो नहीं घूमता था। जैसे जो लड़के वगैरह होते हैं जो लगाने वाले होते हैं, तो उन्होंने इस सिलेक्टर को घुमाया, वो नहीं घूमा तो उन्होंने जबरदस्ती की पेचकस से, जबरदस्ती करने से इसका जो सिलेक्टर है वो टूट जाता है, और यहाँ पर सिलेक्टर की प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। और जो हमारा 40XT होता है, तो 40XT में ये इसका जो सिलेक्टर है ये चारों ओर घूम जाता है, तो इसमें टूटने का खतरा नहीं रहता है। अब जो 50XT है, तो इसमें अभी जो कंपनी ने सुधार किया हो, तो पता नहीं है मुझे कि क्या इसमें सुधार हुआ है, कि अभी ये जो रोटरी इसका जो स्विच है उसको चेंज किया है या नहीं किया है, तो इसमें बस ये प्रॉब्लम थी। और बाकी इसकी जो वॉइस क्वालिटी है, तो 40XT की वॉइस क्वालिटी और हमारी जो 50XT है इसकी वॉइस क्वालिटी दोनों की सेम है, और लगभग इसकी थोड़ा 10 वाट ज़्यादा पावर है इसके अंदर, तो 10 वाट ये ज़्यादा आवाज़ आपको दे सकता है। वो जो 40XT है ये आपको 10 वाट कम आवाज़ देगा, क्योंकि 40 वाट RMS पावर है इसके अंदर, और इसके अंदर 50 वाट RMS पावर होता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार, दोनों की वॉइस क्वालिटी बहुत ही शानदार है। लेकिन मुझको यूज़ करने में, जैसे मैंने जब यूज किया, तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें मैंने अधिकतर ये देखा है, जो हमारी 40XT है, तो 40XT हमारी ज़्यादा हमको अच्छी लगी, 40XT हमको ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें हमको प्रॉब्लम कम आई है। इसका जो सिलेक्टर होता है आज तक ख़राब नहीं हुआ, और जो हमारे पास 10-15 साल पुराने भी हमारे पास जो ड्राइवर हैं वो भी हैं, तो उनके सिलेक्टर आज भी ख़राब नहीं हुए हैं। लेकिन ये मैंने नया ही ख़रीदा था, और इसके सिलेक्टर देखिए आप, ख़राब हो चुका है और टूट चुका है। मैंने इसको अंदर से खोल के इसको डायरेक्ट किया है, तो सीधा का सीधा ये डायरेक्ट कर दिया है ताकि ये चलता रहे, क्योंकि सिलेक्टर अभी चेंज नहीं किया है हमने। तो ये इसमें ये प्रॉब्लम हमको आई है, हमारे सभी जितने भी 60XT सभी के सिलेक्टर ख़राब हो चुके हैं, लेकिन हमारी 40XT का आज तक भी किसी भी यूनिट का सिलेक्टर ख़राब नहीं हुआ। बाकी वॉइस क्वालिटी के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वॉइस क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी है और बहुत ही बेस्ट चल रहा है, क्योंकि देखो नई चीज़ों में और पुरानी चीज़ों में कुछ डिफरेंस तो आ जाता है। जो पहले जो माल आता था, जो पहले जो मशीनें आती थी, जो इसके इक्विपमेंट आते थे, तो आजकल वो नहीं आते हैं, क्योंकि अब आजकल
वो थोड़ा हल्का हो गया है, तो इसलिए पुरानी चीज़ों को तो नहीं हम कह सकते, लेकिन अब जो माल आ रहा है उसमें उतना जो जितना हिसाब से उसको चलना चाहिए, जितना लॉन्ग लाइफ उसको चलना चाहिए उतना उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है, यानी क्वालिटी तो घटी है लेकिन रेट इसके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी या कंपनियाँ घटाती जा रही हैं। बाकी क्वालिटी आहूजा से अच्छी आपको यूनिट मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, सबसे बेस्ट यूनिट है ये, और ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ है और लंबी चलती है, और आपका जो पावर है ये हमेशा इसका बराबर रहता है, 10-15 साल तक आप इसको आसानी से यूज करिए, बिल्कुल लॉन्ग थ्रो जाएगी, लंबी आवाज़ जाएगी, और साउंड क्वालिटी इसमें आप ओरिजिनल कॉइल डालेंगे, आहूजा की ही डीलर से खरीद के ओरिजिनल कॉइल डालेंगे तो आपको शानदार इसकी वॉइस क्वालिटी भी मिलेगी, और यदि आप इसमें कोई नकली कॉइल डाल देते हैं यानी जो जेन्युइन कॉइल नहीं होती है आहूजा की तो उसको आप डाल देंगे तो साउंड क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी, तो इसको आहूजा डीलर से ही ख़रीदें और आहूजा डीलर से ओरिजिनल इसका जो डायफ्राम होता है या कॉइल भी आप लोग बोलते हैं तो उसको ओरिजिनल डालें, तब आपको कोई भी दिक्कत फिर इसमें नहीं आएगी, वो बहुत शानदार क्वालिटी इसकी जो नेचुरल वॉइस है वो आपको मिलेगी, और यदि आप इसमें किसी प्रकार से कोई उल्टा सीधा कोई भी अगर इसमें जो डायफ्राम डाल देंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप जो भाई हमारे जो लेना चाहते हैं अभी या जो नया सामान लेने की सोच रहे हैं तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले जब स्टार्टिंग करते हैं तो आप उल्टी सीधी चीज़ों में मत फंसिए, आप आहूजा का ही लीजिए, आप आहूजा का आप इन ड्राइवर लीजिए तो आपको 10-15 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कटने का जो सवाल है तो कटने का सवाल हमारे चलाने के ऊपर होता है, किस तरह से वो हम चला रहे हैं, किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो उससे कटती है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है वो आहूजा से अच्छी आपको साउंड क्वालिटी किसी में भी नहीं मिलेगी, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 40XT ही लीजिए, क्योंकि ऑपरेटिंग पे होता है, आप ऑपरेटिंग करेंगे बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, लंबी आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं है कि हम 40XT या 50XT लगाएंगे तो उससे बहुत लंबी आवाज़ सेटिंग नहीं करेंगे तो आपके 50XT से 10 वाट ज़्यादा है कोई दिक्कत वाली, आप 200 वाट की यूनिट भी आप 500 वाट की स्पीकर लगाते हैं तब भी आवाज़ आपकी दूर नहीं जाती, तो ये सारा चीज़ आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है, तो आप सेटिंग से अच्छे से करिए। और तो मैं तो कभी जैसे 40XT भी है ये और 50XT भी है तो 40XT को अभी 20 से आगे चलाता ही नहीं हूँ, तो 20 पे सेट करके चलाता हूँ और कहीं कहीं 10 पे सेट करके चलाता हूँ, तो यहाँ पे हमको 50 की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक ना 40 की जरूरत पड़ी, क्योंकि 20 से आगे हम सेट नहीं करते हैं, 20 पे ही चलाते हैं, 30 पे ज़्यादा से ज़्यादा चला दिया कहीं, इससे आगे हमने सेट कभी नहीं किया, और बहुत शानदार और बहुत लंबी आवाज़ जाती है, तो इसको हमें ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। आप 40XT लेना चाहें तो 40XT ले लें, आप 50XT लेना चाहें तो 50XT ले लें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो हमारी 40XT है ये बहुत अच्छी यूनिट है, और ये एक तरह से कह सकते हैं ठोस भी है, और ये थोड़ा देखने में ऐसा लगता है कि अगर गिर जाएगी तो टूट जाएगी, क्योंकि अब प्लास्टिक में आने लगी हैं, ये सभी नया माल है तो ये प्लास्टिक का आ गया, पहले इसमें एल्युमिनियम माल आता था तो ये सब प्लास्टिक वाली हैं, तो ये थोड़ी हमको ज़्यादा ठीक नहीं लगी, और इस हिसाब से मुझको अच्छी नहीं लगी, आपको जैसी लगती हो तो चलो ठीक है, आपको अच्छी लगी आप उसको यूज़ करिए, क्योंकि साउंड क्वालिटी का कोई जवाब, आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही बेस्ट मिलेगी और नो प्रॉब्लम, आप आराम से चला सकते हैं जो भी आपको लेना हो, लेकिन 40XT मैं आपको सजेस्ट अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ कि 40XT लीजिए, 40XT बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको सिलेक्टर की समस्या आएगी ना ज़्यादा कटने की समस्या आएगी, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मैं 40XT ही पसंद करता हूँ, और आपको जो भी इसमें से पसंद हो तो आप उसको खरीद सकते हैं और उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और जिन भाइयों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे लाता भी रहूँगा।